नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम यहां लेकर आते हैं टैली से रिलेटेड नए अपडेट्स एंड वीडियो। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे यह सभी इनवॉइस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि यहां आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप TDL की सहायता से अपने इनवॉइस को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और इनवॉइस की TDL, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो टैली में डिफॉल्ट इनवॉइस प्रिंट होता है वह कैसा होता है। इसके लिए हम सेल्स रजिस्टर में जाकर एक इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। यह देखिए दोस्तों, जो टैली में डिफॉल्ट इनवॉइस प्रिंट होता है वह हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो अब हम इसे कस्टमाइज करने के लिए एक TDL को लोड करेंगे। TDL कैसे लोड करते हैं यह मैंने मेरे बहुत से वीडियो में बता रखा है, मैं यहां भी आपको बता देता हूं। दोस्तों यह हमारी फाइल है, इसे हमें टैली में लोड करने के लिए यहां हम क्लिक करेंगे। अब बैक स्लैश लगाएंगे, अब अपने कीबोर्ड में डाउन एरो प्रेस करेंगे, अब शिफ्ट और होम की एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए यह हमारा पाथ सेलेक्ट हो गया है। अब हम कंट्रोल के साथ में सी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यह पाथ कॉपी हो गया है। अब हम आ जाते हैं टैली में और यहां हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, अब प्रोडक्ट एंड फीचर में और मैनेज लोकल TDL में। इस ऑप्शन को हम यस ही रहने देते हैं और यहाँ जो पाथ हमने कॉपी किया था उसे यहाँ कंट्रोल और अल्ट और वी तीनों बटन को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो यह हमारा पाथ जो हमने कॉपी किया था वह यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, वन ऑफ वन TDL लोडेड यहाँ आ जाएगा। तो यह कस्टमाइजेशन हमारा टैली में लोड हो गया है। अब हम एक बिल ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा दिख रहा है। यह देखिए दोस्तों, हमारा इनवॉइस बहुत ही चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसमें सभी डिटेल्स भी प्रॉपर आ रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें सभी डिटेल्स कॉलम वाइज शो हो रही है, जैसे कि SGST और CGST यह भी कॉलम में आ रहे हैं और टैक्स एनालिसिस भी इस इनवॉइस में आ रहा है। इसमें यदि आप इस इनवॉइस एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वह भी इस इनवॉइस में आप देख सकते हैं। यहां देखिए इसमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट सभी डिटेल्स आ रही है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन भी शो हो रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट का नाम, बिल्टी नंबर, डेस्टिनेशन, सभी डिटेल्स आ रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो हमारी बैंक डिटेल्स है वह भी यहाँ आ जाएगी। इसमें बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए हम इनवॉइस में आ जाते हैं। अब हम अल्टर पी प्रेस करते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, प्रिंट बैंक डिटेल्स, इस ऑप्शन को हम यस करते हैं और यहाँ पर जो भी आपकी बैंक का अकाउंट जो आपने लेजर क्रिएट किया होगा वह सभी बैंक के नाम यहाँ आ जाएंगे। इसमें जो भी बैंक आप इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिंक कर लेता हूँ। अब इस स्क्रीन को हम कंट्रोल ए से सेव है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी बैंक की डिटेल्स है वे भी प्रॉपर आ गई है। अब हम एक ऐसा बिल ओपन करते हैं जिसमें कि बहुत सी आइटम है, तो मैं यहाँ एक बिल ओपन करता हूँ। यह देखिए दोस्तों, इस बिल में हमारे पास बहुत सी आइटम है। इसका प्रीव्यू हम देखते हैं कि यह कैसा शो हो रहा है।
तो दोस्तों देखिए, इस बिल में हमारे पास तकरीबन 20 आइटम है। तो यदि आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आइटम्स ज्यादा है, तो भी यह इनवॉइस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको यह इनवॉइस पसंद आया है तो कमेंट में अपना मेल आईडी दे दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।